Hello and welcome all to the Krishna Online Coaching. Myself Neetu Gupta from NLSIU Bangalore. In this session, I am going to continue with the current affairs for the month of May 2020 and the category was appointments. So, Narendra Batra ko extension mili hai FIH president mein. Indian sports administrator Narendra Batra ka term extend hua hai as World's Boy Congress has been paused to May next year due to COVID-19. So, FIH International Hockey Federation, ye FIH kya hai? International Hockey फेडरेशन ये एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है फील्ड हॉकी के फील्ड में और इंडोर फील्ड हॉकी में. FIH रिस्पॉन्सिबल है फील्ड हॉकी मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट नोटेबली द वर्ल्ड कप. हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड में है. बिसाइड्स बत्रा फोर एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स ऑल्सो गॉट एक्सटेंशन. नेक्स्ट क्या है, श्री इंदु शेखर चतुर्वेदी ने मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्रेटरी का चार्ज अज्यूम कर लिया है और ये IAS हैं. ही सक्सीडेड श्री, इनसे पहले श्री आनंद कुमार थे मिनिस्ट्री में जिन्होंने पहले चार्ज लिया था सेक्रेटरी का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. इस इनके अपॉइंटमेंट से पहले श्री इंदु शेखर चतुर्वेदी के अपॉइंटमेंट से पहले इनके अपॉइंटमेंट से पहले श्री चतुर्वेदी वॉज सर्विंग एज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एंड एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी राजकुमार सिंह और उन्होंने काम किया है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्या है, IAS ऑफिसर मनोज आहूजा ने न्यू CBSE चेयरपर्सन को अपॉइंट किया गया है. IAS ऑफिसर मनोज आहूजा को चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है CBSE का और इन्होंने रिप्लेस किया अनीता कारवाल. 1990 बैच में ये 1990 बैच के ओडिशा कैडर में ऑफिसर थे जो कि करंटली स्पेशल डायरेक्टर सर्व कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में. जो बोर्ड है ये इनके सुपरविजन के अंडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी में. बोर्ड फंक्शंस अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो कि सेक्रेटरी पे ही वेस्ट की गई है स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के. CBSE एक ऑटोनॉमस बॉडी है विच इज़ वर्किंग अंडर MHRD. नेक्स्ट, कुमार संगाकारा सेट टू सर्व सेकेंड टर्म एज MCC प्रेजिडेंट. फॉर्मर श्रीलंका स्किपर कुमार संगाकारा ये सेट टू सर्व हिज सेकेंड टर्म एज द प्रेजिडेंट ऑफ मेलबर्न क्रिकेट क्लब. अब संगाकारा है फर्स्ट ओवरसीज प्रेजिडेंट है मेलबर्न क्रिकेट क्लब और उन्होंने चार्ज ले लिया क्लब का 1 अक्टूबर लास्ट ईयर. मेलबर्न क्रिकेट क्लब ये क्रिकेट क्लब जो कि 1787 में है बेस्ड सिंस 1814 एट लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड. MCC दैट इज़ मेलबर्न क्रिकेट क्लब ये बॉडी है रिस्पॉन्सिबल फॉर और इनके कॉपीराइट होल्डर हैं ये लॉ ऑफ क्रिकेट के और इट्स लॉ सब कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिबेटिंग एंड ड्राफ्टिंग चेंजेस टू द लॉज विद द मेन कमेटी देन वोटिंग ऑन एनी चार्जेस प्रपोज्ड. प्रेसिडेंट है जो MCC ट्रेडिशनली सर्व ऑन ए 12-month टर्म. MCC ये कहाँ पे लोकेटेड है, लंदन UK में. नेक्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गेट्स न्यू चीफ वी विद्यावती. आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया को नया डायरेक्टर जनरल मिल गया है और इनके अपॉइंटमेंट हुई है IAS ऑफिसर वी विद्यावती. एक इसके अकॉर्डिंग है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट और ये सर्व करेंगी एडिशनल सेक्रेटरी एज अ एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को अटैच है एंड दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल मॉन्यूमेंट्स इन द कंट्री. और 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगहम ने फाउंड की थी हु ऑल्सो बिकम इट्स फर्स्ट डायरेक्टर जनरल और इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, न्यू दिल्ली में. नेक्स्ट, अखिल कुमार भी री इंडक्टेड टू इंटू NADA डिसिप्लिनरी पैनल. तो फॉर्मर कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड विनिंग बॉक्सर अखिल कुमार इसको री इंडक्ट किया गया है इंटू द NADA's डिसिप्लिनरी पैनल और ये मोस्ट अकम्पलिश्ड नेम्स इन इंडियन बॉक्सिंग में इनका नाम दिया गया है और ये गवर्नमेंट ऑब्जर्वर है फॉर दिस स्पोर्ट बिटवीन 2017 एंड 19. NADA क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860-2005 में सेटअप हुई थी विद अ मैंडेट फॉर डोप फ्री स्पोर्ट्स इन इंडिया. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, एंटी डोपिंग रूल्स को इम्प्लीमेंट करना एज पर वाडा
WADA code regulate dope control program to promote education and research and creating awareness about doping and its ill effect. Brand ambassador Sunil Shetty, National Anti-Doping Agency Director General Naveen Agarwal. Next is Robert Azevedo quit as WTO chief as a year early. तो जो हेड हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रॉबर्ट अजवेडो फॉर्मर डिप्लोमेट फ्रॉम ब्राज़ील उन्होंने डिसाइड किया है कि वो रिज़ाइन करें जब उनके टाइम पीरियड से पहले ही और ही हैज़ बीन द डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO सिंस 2013 से और ये 31 अगस्त को स्टेप डाउन करेंगे. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जनेवा में है. फाउंडेड ऑन 1 जनवरी 1995 WTO फंक्शन इज टू हेल्प नेगोशिएट मल्टीलेटरल ट्रेड डील्स. नेक्स्ट इज जुबेर इकबाल appointed MD JK Bank Chamber to continue as chairman. Jammu and Kashmir administration ne appointment approve ki hai senior vice president of HDFC Bank Zubair Iqbal. Ye naye managing director hai. RK Chhibar hai wo bank ke chairman as a continue karenge next 3 years ke liye. Iqbal hai ye inka bhi 3 year ka. Zubair Iqbal ka bhi 3 saal ka tenure hai aur tagline kya hai Jammu and Kashmir Bank ki serving to empower serving टू एम्पावर. हेडक्वार्टर्स का जम्मू एंड कश्मीर बैंक का श्रीनगर में. नेक्स्ट लिबर्टी स्टील अपॉइंट्स परमजीत सिंह कालो एज CEO. नाउ यूके बेस्ड लिबर्टी स्टील अपॉइंट उन्होंने परमजीत कालो को अपॉइंट किया है जॉइनिंग फ्रॉम एर्सलर मित्तल एज CEO ऑफ इट्स प्राइमरी स्टील एंड इंटीग्रेटेड माइनिंग बिजनेस. लिबर्टी स्टील ये ब्रिटिश इंडियन एंटरप्रेन्योर का पार्ट है जो कि संजीव गुप्ता डाइवर्सिफाइड बिजनेस आज ऑफ लिबर्टी ग्रुप. लिबर्टी स्टील इनकी एनुअल कैपेसिटी है 18 मिलियन टन ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स और ये 10 कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं. लिबर्टी स्टील ये 8th लार्जेस्ट स्टील ग्रुप आउटसाइड चाइना. नेक्स्ट क्या है डिजनेस हेड ऑफ स्ट्रीमिंग इज न्यू टिकटॉक CEO. तो वॉल्ट डिजनी कंपनी टॉप स्ट्रीमिंग एग्जीक्यूटिव केविन मेयर ने रिजाइन किया है टू बिकम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ टिकटॉक अ चाइनीज ओन्ड कंपनी. और ये जो ऐप है ये यूज़ हुई है फॉर मेकिंग एंड शेयरिंग वीडियोज दैट हैव एक्सप्लोडेड इन पॉपुलरिटी ड्यूरिंग कोरोना वायरस पैनडेमिक. वाइडली पॉपुलर वीडियो शेयरिंग ऐप है विच इज़ ओन्ड बाई चाइनीज कंपनी बाइट डांस हैज़ बिन डाउनलोडेड मोर देन 2 बिलियन टाइम्स ग्लोबली. टिकटॉक हैज़ बिन डाउनलोडेड अबाउट 1.9 बिलियन टाइम्स वर्ल्ड वाइड. नेक्स्ट क्या है दिलीप ओमन ये नए प्रेसिडेंट हैं इंडियन स्टील एसोसिएशन के. आर्किलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया हैज़ टेकन ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन स्टील एसोसिएशन और इनको अपॉइंट किया गया पोजीशन फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स. इनकी जो अपॉइंटमेंट है इनका किसके रेजिग्नेशन के बाद आई है TV नरेंद्रन जो कि MD थे टाटा स्टील के. लीडिंग स्टील मार्क मेकर सच एस JSW स्टील लिमिटेड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय इस्पात निगम जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड एर्सलर मित्तल निप्पन स्टील लिमिटेड ये मेंबर्स हैं ISA के. इंडियन स्टील एसोसिएशन ये हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में. नेक्स्ट क्या है हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन टू स्टेप एज अ हेड ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड. यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन है इनको ये चेयरमैन लेंगे एज अ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ये बोर्ड में 34 मेंबर्स हैं. इंडिया हेल्थ मिनिस्टर है वो सक्सीड करेंगे जापान डॉक्टर हिरोकी निकांती. और जो प्रपोजल है टू अपॉइंट अ नॉमिनी फ्रॉम इंडिया एज द न्यू चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड वॉज रिपोर्टेडली साइंड बाय वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जिसमें 194 नेशंस हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है. नेक्स्ट आयुष सेक्रेटरी वैद्या राजेश कोटेचा गेट्स 2 ईयर एक्सटेंशन. अब ये आयुर्वेद एक्सपर्ट वैद्या राजेश कोटेचा है इनको 2 साल की एक्सटेंशन मिल गया किसमें एज अ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. ये अब 2017 में अपॉइंट हुए थे स्पेशल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष दैट इज आयुर्वेद योगा एंड नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी फॉर 3 ईयर्स. तो आयुष मिनिस्ट्री हेडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो कि करेंटली कौन है श्रीपद यशो नायक. कोटेचा टुक ओवर एज द आयुष सेक्रेटरी इन अक्टूबर 2017.
Next, Moketsi Majerus one is Lesotho new prime minister. Moketsi Majaro, इनको sworn किया गया as Lesotho's prime minister following the resignation of his embattled predecessor Thomas Thabane. Thabane attended swearing in ceremony at the royal place of King Letsi III, Lesotho capital Maseru. Next, क्या है आपका? गोविंदा राजुला चिंतला को नबार्ड का चेयरमैन अपॉइंट किया गया. तो अपॉइंटमेंट कमेटी है जो कैबिनेट की, उन्होंने चिंतलास की अपॉइंटमेंट को क्लियर कर दिया. करंटली सीजीएम एट नबार्ड फॉर 2 ईयर्स. और ये क्लियर किया गया जो अपॉइंटमेंट है शाजी के वी, करंटली जनरल मैनेजर है कैनरा बैंक में एज अ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नबार्ड फॉर 5 ईयर्स. नबार्ड एग्जिस्टेंस में आए थे 1982 में बाई ट्रांसफरिंग दी एग्रीकल्चर क्रेडिट फंक्शंस ऑफ भी आए. एंड उन्होंने रीफाइनेंस किया था एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के फंक्शंस को. ये सेटअप हुई थी विद इनिशियल कैपिटल ऑफ 100 करोड़ रुपीस. नबार्ड है, इनका हेड ऑफिस मुंबई में है. हर्ष कुमार भानवल ये चेयरमैन है नबार्ड के. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट है. नबार्ड मीन्स नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. नेक्स्ट, अभास झा अपॉइंटेड टू की वर्ल्ड पोजीशन ऑन क्लाइमेट चेंज डिजास्टर मैनेजमेंट इन साउथ एशिया. तो अभास झा है, इनको वर्ल्ड बैंक ने अपॉइंट किया है टू अ की पोजीशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन साउथ एशिया. ये ग्लोबल लेंडर ने कहा था. झा की, अभास झा की जो अपॉइंटमेंट है वो किस टाइम पर आई थी, जब साइक्लोन अम्फान ने बैडली हिट किया था वेस्ट बंगाल ओडिशा और इंडिया और वेस्ट बंगाल ओडिशा एंड बांग्लादेश. बैंक इन्वेस्टिंग के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग अर्बन रेसिलियंस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बाय 2030 विदाउट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इनटू मेकिंग सिटीज मोर रेजिलिएंट नेचुरल डिजास्टर मे कॉस्ट सिटीज वर्ल्ड वाइड $314 बिलियन ईच ईयर. अब वर्ल्ड बैंक शॉक वेव्स रिपोर्ट ने क्या फाइंड किया है कि मोस्ट 75% ऑफ द लॉसेज दे आर एट्रीब्यूटेड टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स. क्लाइमेट चेंज थ्रेटन्स टू पुश एन एडिशनल 100 मिलियन पीपल इन द एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 2030. यूनाइटेड नेशन एस्टिमेट्स दैट मोर देन 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल लिव इन सिटीज बाय 2050. तो अब ये 13th और करंट प्रेजिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के, डेविड आर मालपास. नेक्स्ट, असम जनाबी फूकन अपॉइंटेड FICCIFLO नेशनल प्रेसिडेंट. असम बेस्ड एंटरप्रेन्योर है जनाबी फूकन को नेशनल प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया FICCIFLO का. और इनमें क्या है कि जो रिप्रेजेंट्स ओवर 8,000 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन विंग है लीडिंग इंडस्ट्री चैम्बर ऑफ द कंट्री. ये 37th नेशनल प्रेसिडेंट है FICCIFLO. ये वुमेन विंग है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ऑल इंडिया फोरम है जो वुमेन की. FLO इसके हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली विद 17 चैप्टर्स कवरिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया. FLO रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओवर 6,800 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रोफेशनल. ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, टू इनकर and facilitate women to showcase their talent, skills, experience and energies across sectors and verticals of the economy for a truly inclusive economic growth trajectory. और ये founder vice chairman है FLO Northeast chapter के. Next, World Bank names Caramel Greenfield as a chief economist and vice president. तो World Bank ने कैरमन रिनहार्ट को नया वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किया है. ये एक एडवाइज़र है, कंट्रीब्यूटर है टू ऑनगोइंग वर्ल्ड बैंक डेट ट्रांसपेरेंसी डिस्कशंस. और ये मेंबर है न्यू IMF एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप वर्किंग ऑन पॉलिसी चैलेंजेस. रिनहार्ट है, ये प्रोफेसर है एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. पब्लिश्ड अ बुक इन टाइटल टाइम इन डिफरेंट 8th सेंचुरी ऑफ फाइनेंशियल फॉली टूगेदर विद इकोनॉमिक्स केनेथ रैग ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन 2009. शी वर्कड एज अ वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इकोनॉमिक्स एट बेयर स्टर्न्स. So here I wind up my lecture guys. In the next session I'll be continuing with the appointments. Thank you.